पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके के पैजावा इलाके में दिन दहाड़े अपराधियों ने 18 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से गुस्साए परिवार वालों के साथ स्थानीय लोगों ने NH30 फोर लेन पर शव को रखकर जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया, आगजनी भी की। लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ राहगीरों से मारपीट भी की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को पहले हटाने की कोशिश की। जब लोगों का हंगामा जारी रहा तो पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज थाना इलाके के लक्ष्मीपुर पंचायत के पूर्व मुखिया भूपेंद्र यादव पर अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। बम लगने से पूर्व मुखिया गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में एक सहयोगी के भी घायल होने की खबर है। बेतिया में अपराधियों ने देर रात एक के बाद एक तीन लूट की घटना को अंजाम दिया। ट्रेन और बस से उतरकर घर जाने वाले राहगीरों को अपना निशाना बनाया और उनसे हजारों रुपए मोबाइल लूट लिए। बगहा में एक शादीशुदा महिला से शादी कर रही युवक को महिला के पति ने गोली मार दी। युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। रोहतास जिले के इंद्रपुरी ओपी इलाके के बस्तीपुर गांव में 8 साल के मासूम की हत्या के बाद शव को फेंक दिया गया। मृत बच्चे की पहचान हार्डवेयर दुकानदार जैनल अंसारी के तौर पर हुई है। फारबिसगंज के बथनाहा थाना इलाके के भदेश्वर में एक निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में 9 मजदूर दब गए। आनन फानन में मजदूरों को निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने एक मजदूर की को मृत घोषित कर दिया है। घायलों को नेपाल और पूर्णिया रेफर किया गया। मधुबनी में शराब तस्कर इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि शराब तस्करों ने पुलिस जीप को टक्कर मार दी और भाग निकले। हालांकि पुलिस ने पीछा कर स्कॉर्पियो को दबोच लिया जिसमें 400 लीटर शराब बरामद की गई। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली उदय यादव को धर दबोचा है। सीआरपीएफ और मदनपुर पुलिस की टीम ने दलेल बिगहा नहर के पास से उसे गिरफ्तार किया। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना इलाके के बल्लोचक NH28 पर बाइक सवार अपराधियों ने रेलवे संवेदक से 15,000 रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया। भोजपुर में अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी। गोली लगने के कारण युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सहरसा में बदमाशों का आतंक, 7 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या। सीने में गोली लगने से बच्चे की मौके पर ही मौत। जमीन विवाद में हत्या का शक। पटना सिटी में रहने वाले सोनू का 3 दिन बाद भी पुलिस को सुराग नहीं मिल पाया। परिजन किसी अनहोनी की आशंका से घबराए हुए। पुलिस प्रशासन से सोनू की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई गई। मधुबनी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जयनगर रेल पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ने 620 लीटर शराब बरामद की। शराब की तस्करी नेपाल से हो रही थी। गया में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मेडिकल थाने के काजीचक गांव में छापेमारी की और भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब बरामद की। बेगूसराय में पुलिस ने 18 अक्टूबर को हुए फाइनेंस कर्मचारी से लूट के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में लूट में शामिल 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर ओपी के अखाड़ा घाट रोड में जमीन विवाद में मारपीट हो गई। गोपालगंज में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक बच्चे सहित 2 लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बीजेपी ने झारखंड में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। बीजेपी ने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को झारखंड में प्रचार की लिस्ट में जगह नहीं दी। स्टार प्रचारक में नाम नहीं होने से बिहार में विरोधी तंज कस रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि गिरिराज सिंह बिहार में नीतीश कुमार का विरोध करते हैं, इसलिए उनका नाम काटा गया। राजधानी का पानी भी पीने लायक नहीं रहा। पटना के पानी में जिंक, आर्सेनिक, क्लोराइड और लोहा जैसे तत्व मानक के नीचे पाए जाते हैं। नगर निगम की जलापूर्ति शाखा हर 6 महीने पर पानी की जांच करती है। पटना में पानी और हवा दोनों जहरीला हो गया है। दिवाली के बाद से लगातार पटना की हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। सुबह AQI 307 तक पहुंच गया था। पटना में पॉल्यूशन की वजह PM 2.5 है। बिहार दौरे पर आए बिल गेट्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम सुशील मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे।
बेगूसराय में बढ़ते अपराध के खिलाफ सैकड़ों कारोबारियों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश मार्च निकाला और जिला प्रशासन की अर्थी भी जलाई। दरअसल पिछले 6 महीने से अपराधियों ने बेगूसराय में कई कारोबारियों को निशाना बनाया। विक्रमनगर स्थित भारतीय डाकघर बचत बैंक के खाता धारकों के खाते से राशि की गड़बड़ी करने का मामला सामने आया। ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में जमा राशि से भी कम रकम दी जा रही है। जेएनयू में जी मीडिया की महिला पत्रकार के साथ किए गए बदसलूकी को लेकर कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने इसकी कहा कि निंदा हो, कोई भी पत्रकार कहीं भी जाए और वो महिला हो या पुरुष, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। गया में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मेडिकल थाने के काजीचक गांव में छापेमारी की और भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब बरामद की। मधुबनी में जयनगर रेल पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने 620 लीटर शराब बरामद की। पटना के पीरबहोर थाने में संपत्ति विवाद को लेकर कुख्यात शौकत मियां के भाई ने हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज कराया था, जिसे लेकर पटना के 3 थाने की पुलिस ने छापेमारी की। पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके के बेगमपुर से 14 नवंबर से गायब एम्बुलेंस चालक सोनू का 72 घंटे के बाद तालाब से शव मिला है। औरंगाबाद में गांधी संकल्प पदयात्रा की सफलतापूर्वक समाप्ति पर सांसद सुशील कुमार सिंह ने खुशी जाहिर की। इसके लिए जिलेवासियों को सहयोग के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। दानापुर के सगुना मोड़ स्थित निजी अस्पताल हाईटेक इमरजेंसी को स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव कुमार ने बंद करने का आदेश जारी किया है। पटना एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। 16 नवंबर को तीमारदारों के साथ हुई थी झड़प। अस्पताल में इमरजेंसी सेवा ठप, शिशु विभाग पर ताला लटका। दरभंगा के डीएमसीएच में 7 दिन से अल्ट्रासाउंड का काम ठप। अस्पताल के 4 अल्ट्रासाउंड मशीनों में से 3 मशीनें खराब। मरीजों के इलाज में हो रही है दिक्कत। बेगूसराय जिले के छौड़ाही में एक अजूबा पक्षी सामने आया, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। लोग इसे जटायु का अवतार मान रहे हैं। बाढ़ स्टेशन पर 65 साल की बुजुर्ग महिला की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। सीटी बजाने के बावजूद भी महिला को सुनाई नहीं पड़ा और मौत मौके पर ही हो गई। मुंगेर में समकालीन अभियान के तहत छापेमारी के दौरान पुलिस ने 111 लीटर देशी और विदेशी शराब के साथ मुखिया पति सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया। लखीसराय में रामगढ़ चौक थाना इलाके के लखीसराय शेखपुरा मुख्य मार्ग स्टेट हाईवे पर करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। जेसीबी से कुचलकर युवक की मौत हुई। नगर थाने के एएम कॉलेज के पास यह हादसा हुआ। छपरा जिले के डोरीगंज में सड़क हादसा हुआ है, जहां जगदम्ब कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर दिलीप श्रीवास्तव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सासाराम में अग्रेर थाना इलाके के मोकर के पास एक बेकाबू ऑटो पलट गई, जिससे ऑटो पर सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। विक्रम थाना इलाके के आजाद नगर के पास NH 139 पथ पर डिवाइडर से टकरा कर घायल हुए 3 युवकों को पुलिस गश्ती की टीम ने इलाज के लिए स्थानीय PHC में भर्ती कराया। गोपालगंज में नगर परिषद की सड़क के बीचों बीच नाले का निर्माण कराया गया, लेकिन सड़कें कई फीट नीचे धंस गई। विक्रमनगर स्थित भारतीय डाकघर बचत बैंक के खाता धारकों के खाते से राशि की गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। गोपालगंज नगर परिषद की लापरवाही के चलते शहरी क्षेत्र के सभी मोहल्लों में निर्मित नाला और सड़कें समय से पहले ही जर्जर होने लगी, जबकि नगर परिषद की ओर से हर साल लाखों रुपए खर्च कर गलियों और सड़कों का निर्माण हो रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 23 नवंबर से शुरू होने वाले राम रसोई में हर दिन 1000 श्रद्धालुओं को खाना खिलाने का इंतजाम है। मधुबनी के जयनगर हाईस्कूल परिसर में 3 दिवसीय जयनगर महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छपरा शहर के दहियावा स्थित शिशु पार्क में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मार्गदर्शन में छपरा जिला इकाई ने 15 दिवसीय योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शहीद मेमोरियल स्पोर्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित तारापुर खेल महोत्सव 2019 का समापन हो गया। महोत्सव का समापन 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ के साथ किया गया।
पटना एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल की गई। देर रात एयरपोर्ट अथॉरिटी और डीएसपी सचिवालय समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में मॉक ड्रिल की गई। आरा का रेलवे स्टेशन दुल्हन की तरह सज-धजकर तैयार है। आरा के सांसद राजकुमार सिंह 100 फीट लंबा और 100 फीट ऊंचे तिरंगे को यहां पर उन्होंने फहराया और राष्ट्रगान से राष्ट्रीय तिरंगे को सलामी दी। पटना के बिहार म्यूजियम में कला भवन के 100 साल पूरे होने पर एक फोटो एग्जीबिशन की शुरुआत की गई। अर्थशिला की तरफ से फोटो एग्जीबिशन में कला भवन ने 100 साल और उनकी ब्लैक एंड व्हाइट में बेहतरीन तस्वीरों को लगाया। बेगूसराय में आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बेगूसराय इकाई के द्वारा शहर के दिनकर कला भवन में कायस्थ समागम का आयोजन किया गया। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति ने तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें देश के विभिन्न प्रदेशों से आए सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भाग लिया। बेगूसराय में पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने ग्राम संपर्क अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना में अखिल भारतीय धोबी महासंघ का बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में गांधी मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित करने का फैसला किया गया। थरुहट की राजधानी हरनाटाड़ में भारत और नेपाल के थारुओं ने हुंकार भरी। राजनीतिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक भागीदारी को लेकर देश भर से थारू नेता अपने हक हकूक को लेकर एकजुट हो रहे हैं। मधुबनी जिला इकाई के बैनर तले सहरसा जिला मैथिल इकाई संघ ने मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान चलाया और सभी लोगों को मैथिली बोलने के प्रति जागरूक किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शुमार है। लोहरदगा में अमित शाह के आगमन की चर्चा है। गृहमंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर सांसद सुदर्शन भगत लोहरदगा पहुंचे और बीजेपी की जिला और नगर कमेटी के साथ तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ताला मरांडी जेएमएम के साथ जाने की तैयारी में। ताला मरांडी बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज है। जमशेदपुर पश्चिमी से बीजेपी विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री सरयू राय अब मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव वल्लभ ने सरयू राय के निर्दलीय लड़ने के ऐलान को गलत ठहराया। सरयू राय को टिकट नहीं दिए जाने को घाटशिला के पूर्व विधायक प्रदीप बालमुचू ने दुर्भाग्यपूर्ण कहा। बालमुचू ने कहा कि सरयू जैसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी और सरकार में रहकर भी गलत बातों का हमेशा विरोध किया। चतरा लोकसभा प्रभारी और उत्तर प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने झारखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने की उम्मीद जताई। तीसरे चरण के नामांकन में बोकारो के बेरमो और गोमिया के कई दिग्गज अपना नामांकन करेंगे। बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार बाटुल महतो 20 नवंबर को नामांकन करेंगे। गोमिया विधानसभा क्षेत्र में आजसू के लंबोदर महतो सोमवार को अपना नामांकन करेंगे तो जेएमएम से बबीता देवी 19 नवंबर को अपना नामांकन बोकारो की तेलीघाट सीट से करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रांची समाहरणालय में तीसरे चरण के लिए 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए समाहरणालय में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घाटशिला और बहरागोड़ा विधानसभा सीट के लिए नामांकन का दौर जारी है। दोनों विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए विभिन्न दलों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी नामांकन कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी भ्रष्टाचार की संरक्षक और जनक है। जमशेदपुर पूर्वी से मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार गौरव वल्लभ के चुनाव लड़ने पर मंत्री सीपी सिंह ने तंज किया है। राजनीतिक दलों की उपेक्षा से नाराज चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने का फैसला किया। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स सूबे में 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। व्यवसायियों ने सर्वसम्मति से पूर्व चैंबर अध्यक्ष और कारोबारी पवन शर्मा को रांची विधानसभा सीट के प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी संथाल परगना को लेकर एक्टिव हो गई है। गोड्डा लोकसभा के लिए सांसद रामकृपाल यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है।
देवघर के एक निजी होटल के सभागार में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी। गुमला जिले के खटगांव पंचायत के 3 गांव के ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 70 साल बाद भी गांव विकास से कोसों दूर है। जामताड़ा से बीजेपी विधायक तरुण गुप्ता ने पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिए जाने पर बगावत कर दी। अपने आवास पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी के बाद बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बावजूद चुनाव लड़ने का फैसला किया। कोडरमा विधानसभा के लिए तीसरे चरण में 12 दिसंबर को मतदान होना है। मतदान में ज्यादा से ज्यादा मतदाता हिस्सा लें, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। पाकुड़ में आसू कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में आसू के भावी उम्मीदवार अकील अख्तर शामिल हुए। इस दौरान दर्जनों लोगों ने आसू का दामन थामा। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के सुंदरपुर गांव में विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की उपस्थिति में जेएमएम का मिलन समारोह आयोजित किया गया। न्यायमूर्ति डॉक्टर रविरंजन ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर आज शपथ ली। राजभवन के बिरसा मुंडा मंडप में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें हिंदी में शपथ दिलाई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर रांची पहुंच रहे हैं। वे अपनी पार्टी के नेताओं से मिलकर झारखंड विधानसभा चुनाव अभियान पर उन्होंने चर्चा की। पाकुड़ में आसू कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में आसू के भावी उम्मीदवार अकील अख्तर शामिल हुए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा 19 नवंबर को 3 दिन के झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ 2 निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा भी मौजूद रहेंगे। अपने दौरे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव के बारे में जानेंगे। 20 नवंबर को वे सभी जिलों के उपायुक्त जोनल आईजी और टीआईजी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। रांची के कुकर स्थित ग्रैंड ओकेजन मूलवासी सदन मोर्चा ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में मूलवासी सदन मोर्चा ने आरोप लगाया कि झारखंड के बने 19 साल हो गए हैं लेकिन सदनों का विकास नहीं हुआ। रांची के कचहरी स्थित बिहार क्लब में सेंट्रल बैंक पटना जोन की बैठक रखी गई। इस बैठक में सेंट्रल बैंक के अफसर सहित बैंक कर्मी मौजूद थे। लोहरदगा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यक्रम चला। दिव्यांग महिला मतदाताओं के बीच कई प्रतियोगिताएं हुई। जामताड़ा में बीजेपी नेता तरुण गुप्ता ने फूका बगावत का बिगुल, टिकट नहीं दिए जाने से नाराज है। देवघर के अंबेडकर चौक पर आज स्वीप देवघर और जिला प्रशासन ने हैप्पी संडे नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया। विधानसभा चुनाव को लेकर कोडरमा से आरजेडी उम्मीदवार सुभाष यादव ध्वजधारी धाम पहुंचे और बाबा भोले का आशीर्वाद लिया। देवघर में आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस जेके महेश्वरी पहुंचे और देवघर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। रामगढ़ में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ रजरप्पा पुलिस ने सघन अभियान चलाया। इस अभियान में बड़ी तादाद में अवैध शराब की बोतलें बरामद हुई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मुंबई में नेवी ने हाफ मैराथन का आयोजन किया। मैराथन में हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं। मैराथन में कई जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। भारत ने बांग्लादेश को इंदौर टेस्ट में 130 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। मैच में भारत ने पहली पारी 6 विकेट पर 493 रन बनाकर घोषित कर। 1975 में आई हिट कॉमेडी फिल्म चुपके चुपके का रीमेक बनने जा रहा है। फिल्म मेकर भूषण कुमार ओरिजिनल टाइटल के राइट्स भी अपने नाम कर। शाहरुख के ट्वीट पर देखें वन प्लस म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने इंटरनेशनल सिंगर दुआ लिपा मुंबई पहुंची। टॉप ग्रॉसिंग आर रेटेड फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी जोकर जल्द ही बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने जा रही है। डेडपुल स्टार रियान रोनाल्ड्स बॉलीवुड सिनेमा के बहुत बड़े फैन हैं। हाल ही में रियान ने एक अखबार से बातचीत के दौरान बताया कि वो भारतीय सिनेमा को बेहद पसंद करते हैं।